आज मैं बनाऊंगी आलू की एकदम मसालेदार बहुत ही चटपटी सब्जी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बन भी बहुत जल्दी जाती है। तो आइए फटाफट से सब्जी बनाना शुरू करते हैं। इस मजेदार सी सब्जी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं ये आधा किलो उबले हुए आलू। आलूओं को उबालकर मैंने इसे छील लिया है, अब इसकी कटिंग करेंगे। आलू को इस तरह से बीच में काट करना, इसे बड़े बड़े टुकड़ों में डिवाइड कर लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से ना बड़े बड़े पीसेस में काटना है हमें इन्हें। और अब हम यहाँ पर लेंगे एक कढ़ाई और कढ़ाई में 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल डालकर गरम कर लेंगे। और जब ऑयल गरम हो जाएगा तो इसमें डाल देंगे 1 तेजपत्ता, थोड़ी सी हींग और 1 टीस्पून जीरा। और जैसे ही जीरा तड़क जाएगा ना तो इसमें हम ऐड करेंगे एक बड़े साइज का बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ प्याज। प्याज अगर छोटे हों तो आप 2 भी ले सकते हैं। और अब प्याज को ऑयल के साथ मिक्स करके ना हमें लाइट ब्राउन होने तक इसे भून लेना है। और प्याज जब इस तरह से लाइट ब्राउन कलर में आ जाएंगे ना, तब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भरकर जिंजर गार्लिक पेस्ट, यानी कि लहसुन और अदरक का पेस्ट। और इसे भी प्याज के साथ मिक्स करके ना थोड़ा सा भून लेंगे ताकि इसका कच्चा सा स्वाद निकल जाए। और यहाँ पर लहसुन अदरक को थोड़ा सा भूनने के बाद ना, और अब हम इसमें ऐड करेंगे ये टमाटर पेस्ट किए हुए। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं मैंने यहाँ पर। और अब प्याज के साथ मिक्स करके हमें इन्हें पकाना है। अब यहाँ पर देखिए 2 मिनट भूनने के बाद ये जो टमाटर हैं बढ़िया पक चुके हैं, है ना। देखिए तेल भी सेपरेट हो चुका है इसमें से। तो अब गैस की फ्लेम को करेंगे सिम और फिर इसमें ऐड करेंगे हाथ से क्रश की हुई कसूरी मेथी। बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इसका। और साथ में ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी ऐड कर देंगे, 1/2 टीस्पून करेंगे लाल मिर्ची ऐड इसमें, और 1 टीस्पून धनिया पाउडर भी ऐड कर देंगे। और सब्जी को बढ़िया सा कलर देने के लिए 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर भी मैंने इसमें ऐड किया है, और 1/2 टीस्पून ऐड कर रही हूँ गरम मसाला। और अब इन मसालों को ना गैस की सिम फ्लेम पर हम थोड़ा सा भून लेंगे। बहुत ज़्यादा देर तक नहीं भूनना, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। और मसाले जले ना और अच्छे से पक जाएं, इसके लिए इसमें 2 से 3 टेबलस्पून पानी ऐड करेंगे और अच्छे से इसे मिक्स भी कर देंगे। इससे क्या होता है कि मसाले जलते नहीं है, है ना, पानी होगा इसमें तो। और जलेंगे नहीं तो कलर भी अच्छा रहेगा, तो सब्जी का कलर भी बहुत ही अच्छा बनेगा। तो यहाँ पर देखिए मसाले अच्छे से पक चुके हैं। तो इस स्टेज पर अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून भरकर दूध की ताजी मलाई। मलाई की जगह आप इसमें फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, पर क्या है ना कि मलाई हमेशा घर पर होती है तो इसलिए मैंने आज इसमें मलाई ही ऐड की है। तो मलाई डालकर गैस की फ्लेम को अब फुल कर लेंगे और इसे थोड़ा सा पका लेंगे। इसमें जो मलाई ऐड की है ना, इससे सब्जी का टेस्ट और भी इन्हेंस हो जाएगा। और यहाँ पर मलाई को भी मैंने अच्छे से पका लिया है। तो अब इसमें ऐड करेंगे इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में कटे हुए 2 टमाटर और इस तरह से बड़ी बड़ी कटी हुई 3 हरी मिर्ची। और ये जो टमाटर है ना, इन्हें हमें मैश नहीं करना, बस थोड़ा सा भूनना है कि ये सॉफ्ट हो जाएं। यहाँ पर टमाटर और हरी मिर्ची को 1/2 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे ये उबले और कटे हुए आलू। और इन आलूओं को भी ना हम ये मसाला जो तैयार किया है ना बढ़िया सा, इसके साथ मिक्स करके 1 मिनट तक ऐसे ही भून लेंगे। इस तरह से आलूओं को भूनकर बनाएंगे ना तड़के के साथ, तो सब्जी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। आलूओं को मसाले के साथ 1 मिनट भूनने के बाद अब इसमें जाएगा 1 कप पानी। पानी को भी अब इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर फुल फ्लेम पर ना इसे हम ढककर पकाएंगे अच्छे से, ग्रेवी को गाढ़ी होने तक और सब्जी मिक्स होने तक हम इसे पकाएंगे। तो लीजिए मैंने अब इसे ढक दिया है और अब इसे पकने देते हैं। तो यहाँ पर पानी डालने के बाद ना मैंने सब्जी को 5 मिनट तक और पका लिया है। और आप देख सकते हैं कि ये पहले से गाढ़ी हो गई है और सारी चीज़ें ना, यानी कि आलू टमाटर ग्रेवी जो है, अच्छे से रस मिस गई हैं।
बहुत ही बढ़िया सब्जी बनकर तैयार हुई है। अब गैस की फ्लेम को सिम कर देंगे और सब्जी को थोड़ा सा चटपटा टेस्ट देने के लिए ना 1/4 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे अमचूर पाउडर। अगर इसे आप ऐड करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। इससे थोड़ा सा टेस्ट है ना चटपटा हो जाएगा, क्योंकि ये जो आलू होते हैं थोड़े मीठे से होते हैं ना। वैसे तो हमने इसमें खूब सारे टमाटर ऐड किए हैं। तो ये सब्जी अब हमारी हो गई है तैयार। तो यहाँ पर गैस की फ्लेम को हम कर देंगे बंद और अब इसमें ऐड करेंगे कटा हुआ हरा धनिया। गर्मी के सीज़न में आने वाली जो सब्जियाँ होती हैं ना, लौकी, टींडे, भिंडी, बैंगन, अक्सर बच्चे ये सब्जियाँ नहीं खाते, तो उन्हें आप इस तरह से मसालेदार चटपटे आलू बनाकर दीजिए पूड़ियों के साथ, पराठों के साथ, बच्चे बहुत ही खुश होकर खाएंगे। तो अब ये लीजिए, हमारी बहुत ही बढ़िया मसालेदार चटपटी सब्जी बनकर तैयार है। इसकी ग्रेवी को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। अगर थोड़ी सी ज़्यादा ग्रेवी चाहते हैं तो थोड़ा सा पानी और लगा लीजिए, पर पानी इसमें गर्म ही डालिए,